नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा समय की अनुपलब्धता के कारण वीडियो ज़्यादा नहीं आ पा रही हैं, और जब भी हमें समय मिलता है उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप हम जो है वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक और आप सभी किसान भाइयों के लिए, पशु प्रेमियों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, होता क्या है कि कई बार हमारे जो पशु हैं उनमें इस तरह के संक्रमण आ जाते हैं, योनि संबंधित विकार आ जाते हैं, चर्म रोग हो जाता है, थनों में समस्या हो जाती है, यहाँ तक कि कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं, खुरपका, मुंह पका और न जाने कई प्रकार की कितनी सारी जो है समस्याएँ हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे पशुपालक भाई जो है बड़ी ही समस्या में आ जाते हैं, जो आर्थिक रूप से और व्यवसायिक रूप से भी उनके लिए जो है ये समस्या इतनी प्रबल हो जाती है कि कई बार पशु को भी अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। तो ऐसा हम क्या करें, पशु के खान पान में क्या बदलाव करें कि ऐसा हो कि हमारा जो पशु है वो बीमार ना हो। यदि बीमार होता भी है तो वो अपनी जो उसकी इम्यूनिटी पावर है, जो भी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसी के हिसाब से जो है वो पशु हमारा ठीक हो जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल और आपको बताते हैं कि किस तरह से हम औषधि, एक घरेलू औषधि देकर अपने पशु को रोग मुक्त कर सकते हैं और तरह तरह की बीमारियों के इलाज से और खर्च से हम बच सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी जो ये बछड़ी है इसका ये सूंड सूजन है इसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है। डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, 3 दिन हो गए इंजेक्शन लगवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला, आप देख सकते हैं वीडियो। उसके बाद दूसरी जो समस्या है वो ये है कि हमारी जो ये गायें थी, इसको इस तरह के शरीर पर दाने हो गए थे, जिनका ट्रीटमेंट हमने डॉक्टर से भी कराया, लेकिन उसमें इतना अनुपात ही लाभ मिला। लेकिन जब हमने घरेलू इसका उपचार शुरू किया तो इसमें हमें अपने अनुरूप परिणाम मिले। उसके बाद इसका जो अडर है दोस्तों, इसके अडर में भी समस्या हुई है। इसका जो अडर है, इसको थनेला हो चुका है, इसमें भी हमने एलोवेरा और हल्दी वाला जो है लेप अपना अपनाया है। आगे दोस्तों देखते हैं अब आगे हमें क्या करना है। ऐसी जो हमारी औषधि है उसका जो मैं आपको नाम बता रहा था वो क्या है और किस तरह से हमने देनी है, वो जो दोस्तों औषधि है, वो औषधि है ये, जिसको हम हल्दी बोलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये हल्दी है। कई बार पशु जो है डायरेक्ट नहीं खाता है, तो इसका हमने क्या उपाय निकाला है, आप जब भी बाटा भिगोते हैं उसमें आपको 2 से 3 चम्मच आप हल्दी डाल दें, 4 पशुओं के लिए वह पर्याप्त होता है। करीब 1 पशु के लिए 10 से 15 ग्राम हल्दी काफ़ी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसमें जो है हल्दी डाली है, और अब जो है ये फीड हम अपनी गायों को खिलाएंगे। इस तरह से जो है आप अपने पशुओं को यदि प्रतिदिन हल्दी देते हैं तो इस तरह की जो है बीमारियां जो आपके पशु को घेरे रखती हैं, आपकी गौशाला, आपके डेयरी फार्म में जो है नुकसान करती हैं, इनसे आप अपने पशु को बचा सकते हैं। यदि आप अलग से अपने पशु को हल्दी देते हैं तो कई बार पशु जो है नहीं खाता है, लेकिन इस तरह के प्रयोग से जब आप अपने पशु को
ये औषधि देंगे तो आपका पशु आराम से और बड़े प्रेम से और चाव के साथ इसको खा लेगा। आप देख सकते हैं दोस्त, ये बाटा हमने पशु को डाल दिया है और आप देख सकते हैं कितने आराम से और प्रेम भाव से ये इस बाटे को चर रही है। तो दोस्तों इस तरह से आपने जाना कि हम किस तरह से हल्दी को प्रतिदिन अपने पशु को देने के बाद उससे हम जो है लाभान्वित हो सकते हैं और अपने जो डॉक्टरों के जो खर्च हैं या फिर बीमारियों पे जो होने वाला खर्च है उससे हम निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं ताकि इसी तरह की रोचक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।